मैं आपके लिए जो लेकर आई हूँ, दीज आर DIY फेस पैक्स मेड आउट ऑफ बीट रूट, जो कि आपकी स्किन के तीन डिफरेंट प्रॉब्लम को ट्रीट कर सकती है, या यूं कहें कि आपको तीन तरीके से हेल्प कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और बीट रूट जो है, ये तो ऐसे स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है और हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। आज का वीडियो कम्प्लीटली डेडिकेटेड है टू माई बीट रूट। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से हम बीट रूट के यूज से अपनी स्किन के तीन डिफरेंट स्किन प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो गाइज, ये ले लिया है मैंने चुकंदर, और सबसे पहले आपको इसके स्किन को पील करना है। पील करने के बाद आपको थोड़े बड़े बड़े पीसेस में से काट देना है। चाहिए थे इस तरीके से माइन्यूट पार्टिकल्स, जिसे मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया और ये मैंने बनाया है इससे जूस। तो ये जो मैंने ग्राइंड किया था, उसमें के कुछ पार्ट को से मैंने जूस निकाल लिया है और कुछ पार्ट को मैंने रख लिया है फॉर फेस पैक। तो ये दो डिफरेंट फेस पैक्स में पड़ेंगे, इसलिए मैंने दो अलग जगह रखा है। तो चलो देखते हैं पहला पैक जो मैं बना रहा हूं। पहले पैक के लिए मुझे चाहिए होगा बेसन, बीटरूट जूस, दही और लेमन जूस। ये मैंने लिया बेसन इस तरीके से। साथ हम इसमें डालेंगे दही, ये ताजी दही है जो मैं यहां डाल रही हूं। हमें चाहिए होगा बीटरूट जूस, इसके साथ हमें चाहिए होगा लेमन जूस। तो यहां पे मैं लेमन का जूस डाल रही हूँ थोड़ा। आपको इसे बहुत ही फाइन पेस्ट बनाना है। अगर ये थोड़ा फ्लूइड जैसा हो गया है ना, तो आप इसमें थोड़ा सा बेसन मिला करके इस कंसिस्टेंसी के हिसाब से आप रेडी कर लो, ताकि आपके फेस पे अच्छे से टिकी रहे। और इसे आप अच्छे से मिला लो ताकि कोई भी लम्स ना रहे। हाथों पे लगा के दिखाती हूँ। आपको अपने फेस पे भी इसे इसी तरीके से लगाना है। 10 से 15 मिनट तक आपको छोड़ना है, फिर मसाज करते हुए रिमूव करना है। सो गाइस, दूसरे पैक के लिए मुझे चाहिए होगा थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी और बीट रूट का जो ये मैंने ग्राइंड किया हुआ है वो मुझे चाहिए होगा फॉर द सेकेंड फेस पैक। मैंने ले लिया है मुल्तानी मिट्टी और अब इसमें मैं डालूंगी ये जो ग्राइंड किया है मैंने बीट रूट का एक्सट्रैक्ट, वो मैं इसमें डालूंगी और फिर इसे मैं अच्छे से मिक्स करूंगी। आपको लगे कि ये बिल्कुल ड्राई ड्राई सा हो रहा है, तो आप थोड़ा सा बीटरूट उसमें और जो एक्स्ट्रैक्ट आपने लिया है ना, आप उसे थोड़ा सा और डाल दोगे तो ये अच्छे से फाइनली ये बन जाएगा। हम इसे इसी तरीके से डायरेक्टली लगाएंगे, फिर सर्कुलर करते हुए इसे रिमूव करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको कुछ पार्ट रखना है ग्राइंड किया हुआ और आपको जूस अलग पार्ट से निकालना है, मैंने इसीलिए बताया था ताकि जब वो इसे मैं मिक्स करूं पैक में तो ये इसका जो वाटरी कंटेंट है उससे ये पैक अच्छे से बन जाए। अदरवाइज क्या होता है, ये पार्ट सूखा रह जाता तो फिर आपको अलग से कोई चीज डालनी पड़ती। तो चलो इसे अब लगाते हैं। इसे आपको इसी तरीके से लेना है और आपको लगा देना है। लगाने के बाद आपको इसे 20 से 25 मिनट तक छोड़ना है, फिर जैसे आप स्क्रबिंग करते हो ना, हल्की सी स्क्रबिंग करते हुए इसे निकालना है। सो ये बेसिकली एक स्क्रब तो नहीं है, बट ये आपके चेहरे को बहुत अच्छे से क्लीन कर देगा और बहुत ही अच्छा नेचुरल ग्लो आपकी स्किन पे ले आता है। तीसरे और आखिरी पैक के लिए मुझे चाहिए होगा बीट रूट जूस और एलोवेरा जेल, ये भी 1 स्कूप, जितना मैंने लिया है उतना ही। गाइस, ये जो लास्ट पैक मैं आपको बता रही हूँ, दिस इज माय फेवरेट। लेने के बाद ना आई फील सो रॉयल एंड सो क्लासी, तो ये मुझे बहुत पसंद है। तो अभी मैं आपको इसे लगा के दिखाती हूँ। इसके लिए आपको चाहिए था बीट रूट का ये जूस, दिस इज रॉ, इसको जूस को मैंने फ्रेश निकाला है, ये स्टोर किया हुआ नहीं है और ये इसमें कोई भी पानी की मात्रा कहीं से भी नहीं है। इसमें मैं डालूंगी ये 1 चम्मच एलोवेरा जेल, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसे आपको इसमें डाल देना है। ये थोड़ा सा थिक होता है एलोवेरा जेल, और फिर आपको इसे बड़े अच्छे से मिला देना है, जैसे कि मैं इसे मिला रही हूँ। तब तक मिलाना है जब तक कि ये दोनों आपस में अच्छे तरीके से मिक्स ना कर जाए। नो लम्स शुड बी लेफ्ट आउट। बीटरूट का जो जूस है ना, वो आपके एलोवेरा जेल में बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर जाना चाहिए। तो ये देखो थोड़ा सा थिक होगा क्योंकि एलोवेरा जेल की वजह से ये थोड़ा थिक हो जाएगा, और आपको इसे इसी तरीके से जेल लाइक फॉर्म में अपने फेस पे लगाना है इसे। गाइस चलो अब इसे लगा के देखते हैं। ये देखो जेल की तरह हो गया, बिल्कुल खूनी लाल है, और इसे आपको अच्छे से लगाना है। और ये इतना सॉफ्ट सॉफ्ट सा लगता है ना, मुझे इसलिए बहुत ज्यादा पसंद है, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट सी फीलिंग आती है। तरीके से आप इसे लगा लो और इसे 10 मिनट आपको छोड़ना है, फिर आपको इसे वाइप ऑफ कर लेना है। आई होप कि आपको ये तीनों रेसिपीज मेरी अच्छी लगी होगी फेस पैक की। अगर आप कोई DIY चाहते हैं, बिकॉज आई हैव हेल लॉट ऑफ रेसिपीज टू शेयर विथ यू ऑल गाइस,
तो अगर आप कोई DIY रेमेडीज चाहते हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल गेट बैक टू यू विद द न्यू रेसिपीज विद द डिफरेंट काइंड्स ऑफ पैक्स जो आप यूज कर सकते हैं टू ट्रीट योर स्किन। तो आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करना और आप ये बताना जरूर कि आप कौन से शहर से मेरे वीडियो को देखते हैं। बहुत जल्द मैं आपके साथ आऊंगी किसी नए प्रोडक्ट की रिव्यू, किसी DIY, किसी हॉल या किसी नए ब्लॉग के साथ। गाइस अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूले, आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बिकॉज उस लाइक से मुझे मिलता है ढेर सारा मोटिवेशन ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियोज आपके लिए लेकर आऊं और नए नए कॉन्सेप्ट के वीडियोस लेकर के आऊं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी चॉइस का कोई भी वीडियो बनाऊं तो वो भी आप मुझे बताओ इन द कमेंट सेक्शन, आई विल गेट बैक टू यू एज वेल एज पॉसिबल। अंटिल देन स्टे सेफ, होप यू हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।